हम लोग ब्लाइंड सपोर्टर है, हम लोग ब्लाइंड सपोर्टर है। तो छोड़िए तब ना, ब्लाइंड सपोर्टर का मतलब समझ रहे हैं, आग बंद करेंगे ना तो ताला चाबी। नहीं नहीं ठीक है, बोल घर में मारिए ताला चाबी, घर में मारिए ताला चाबी। अगर हम तो हम है, हम सामने वाले जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि अगर आप नया वोट नया आदमी को नया प्रत्याशी को अगर आप अपना वोट दे रहे हैं तो भाई को छोड़िए, नहीं छोड़ेंगे इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इनका भैया को भी नहीं छोड़ेंगे। नया सोडा वाटर का जोश नहीं ना है, नहीं नहीं ये जुनूनी है, ये दिल से निकला। माइक को छोड़िए भाई, नया आदमी से मेरा एक ये कहना है। क्या है, किधर मिजाज है, साथ में है कि दिल से है? मिजाज की बात कर रहे हैं, एक ही छाप, सिर्फ ताला छाप। क्या नंबर है? ताला चाबी छाप। चार नंबर पे तो एकदम चार नंबर पे बटन दबेगा। किस पर? अपना इंतखाब बाबू विजयी बनेंगे सिवान से। अच्छा इंतखाब भाई में ऐसा क्या है जो और लोगों में नहीं है? अरे सुंदर छवि, साफ छवि, ईमानदार नेता, ये सब उनमें गुण है। मौके पे काम आते हैं बहुत, हम तो उनके वार्ड के हैं। हमारे मोहल्ले में आज नाली और रोड बिल्कुल चकाचक, बोलते हैं ना ऐसा है चकाचक। आपके वार्ड का सेम है, उसी वार्ड से हैं आप भी? उसी वार्ड से बिलोंग करते हैं। अच्छा तो इस बार मतलब 28 तारीख को जो नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है तो चेयरमैन का चुनाव मुद्दे पे होगा कि धर्म पे होगा कि जाति पे होगा? एकदम मुद्दे पर होगा, धर्म जाति की बात ही नहीं इसमें। राजनीतिक में तो धर्म और जाति को जोड़ना ही नहीं चाहिए, जोड़ना ही नहीं चाहिए। हर धर्म के लोग राजनीतिक में आते हैं, समाज सेवा में आते हैं, तो इसमें जो है ना इंसानियत है, इंसानियत ही साथ में आता है। और जो साफ स्वच्छ व्यक्ति है उसको हम लोग वोट देंगे, उसको भी नहीं बनेंगे। अभी कहाँ कहाँ आप लोग घूम रहे हैं, एक एक डोर कहाँ कहाँ घूमना है अभी? जितने जो सीवान नगर परिषद में क्षेत्र आता है तकरीबन हमने सारे क्षेत्र का भ्रमण कर लिया है, और अपने राजी खुशी से, ये नहीं कि इंतखाब बाबू बोले हैं चाहे उनके घर परिवार का बोला है, हम अपने खुशी से अपने इच्छा अनुसार उस दौरा में जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि नाजमा खातून को ताला चाबी चुनाव निशान पे वोट देकर और भारी से भारी मतों से भी नहीं। आप क्या कहेंगे, सिर्फ साथ में घूम रहे हैं कि वोटो दिया ही? क्या बात करते हैं, मतलब इतनी जाड़े में और साथ में घूम रहे हैं और वोट नहीं देंगे, ये तो गद्दारी है, गद्दारी हो जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना झूठ मूठ के घूमते हैं, ऐसा कोई कैंडिडेट इसमें आपको नहीं दिखेगा, कोई मतलब कोई भी जितने लोग आपको दिख रहे हैं। मैं आपसे खुद एक सवाल पूछता हूँ, हर जगह इतना सारा कवरेज करते हैं आप, हर कैंडिडेट के साथ आप घूमते, कभी आपने इस तरह का मूवमेंट देखा क्या जो इंतखाब बाबू के साथ मूवमेंट आप देख रहे हैं, उनका प्यार देख रहे हैं, कभी आपने देखा? मेरा तो सवाल ये, कोई गारंटी नहीं ना है कि भीड़ वोट में तब्दील हो जाए। बात करते हैं, हम लोग खुद अपनी खुशी से अपनी मर्जी से इनके समर्थन में आए हुए हैं, हम पर कोई प्रेशर कोई दबाव और किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि 28 तारीख तक यही जोश रहेगा, ये और टेम्परेचर इसका बढ़ने वाला है और हम लोग जोशो खरोश से आगे आने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हम तो जिस वार्ड से इंतखाब आते हैं उस वार्ड से उनके वालिद 3 मरतबा वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, 40 साल से उस वार्ड से वही लोग जीतते आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि परिवारवाद इसी को कहा जाता है कि जो पूरे परिवार को लेके चलते, सबको लेके चलते हैं, सबको लेके चलते हैं, तब तो उनके वालिद जीते, उनके बाद उनकी माँ जीती, वो जीते, उसके बाद उनके अम्मा जीती, अभी उनके अम्मा लड़ रही हैं चेयरमैन के चुनाव। तो इस भीड़ में खाली उन्हीं के वार्ड के लोग हैं कि पूरा सिवान से है? पूरा सिवान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब लोग हैं बैठे हैं, आप अंदाजा लगाइए, शेख महल्ला के पूरा सिवान के लोग बैठे हैं, तलहटा बाजार में हर जाति के लोग हैं, ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के तलहटा बाजार है, ऐसा बात नहीं है। यूथ भी है, यूथ भी है, आपका किधर रुझान है? रुझान है क्या, जिधर ये है उधर हम है, रीजन पूछिए क्यों?
बताइए क्यों? रीजन ये है कि हम लोग, हम तो न्यू जनरेशन के हैं, हमारे पापा हमारे दादा बताते आ रहे हैं कि 50 साल से कंटिन्यू है, और खुद हमारे साथ 3 बार ऐसा ऐसा घटना घटा जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं और भी जाए ना, तो हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे 12 बजे रात में गए, ठंड का मौसम था, बोलते रहिए 12 बजे रात में ठंड के मौसम में एक आवाज में बाहर आए, पूछे क्या प्रॉब्लम है, बताएं प्रॉब्लम, यहाँ पे जाहिर नहीं करेंगे, पर्सनल प्रॉब्लम था, बताएं, 12 बजे रात को उठ के हमारे साथ गए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इलेक्शन से पहले पहले की इलेक्शन से पहले कहने का मतलब ये है, मतलब सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, रावल खेले हम लोग का इतना सपोर्ट कर चुके हैं, इधर यूथ हैं हम लोग ब्लाइंड हो गए, ब्लाइंड सपोर्टर है तो छोड़िए तब ना, ब्लाइंड सपोर्टर का मतलब समझ रहा है, आग बंद करेंगे ना तो ताला चाबी, नहीं नहीं ठीक है, बोल घर में मारिए ताला चाबी, घर में मारिए ताला चाबी, घर में मारिए ताला चाबी, अगर हम तो हम है, हम सामने वाले जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि अगर आप नया वोट नया आदमी को नया प्रत्याशी को अगर आप अपना वोट दे रहे हैं तो भाई को छोड़िए, नहीं छोड़ेंगे इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इंतका भैया को भी नहीं छोड़ेंगे, भैया छोड़िए, नया सोडा वाटर का जोश नहीं ना है, नहीं नहीं ये जुनूनी है, ये दिल से निकला, तो माइक को छोड़िए भाई, नया आदमी से मेरा एक ये कहना है भैया, नया आदमी से हम ये बता रहे हैं कि अगर आप अपना वोट नए आदमी को दे रहे हैं ना, तो उसको ये वार्ड का नहीं है, ये चेयरमैन का है, ये मैं जो 45 वार्ड है ना, 45 वार्डों का मालिक जो होता है उसको चेयरमैन बोला जाता है, और ये अब की बार, पहले क्या था कि वार्ड कमिश्नर लोग चुनाई करते थे, अब जनता के हवाले कर दिया गया है, तो जनता को हम ये बताना चाहेंगे कि भैया नया आदमी को अगर आप उठा रहे ना, तो उसको कहाँ मेरा एरिया है, कौन सा मेरा वार्ड है, कहाँ कहाँ आपको काम करना है, ये सोचने समझने में 5 साल बीत जाएगा, आपका वोट जीरो, आपका वोट खत्म, आपका वोट यहीं पर चला गया, हम आपसे यही करके, इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 50 साल का, ये अपने पापा से अपने अम्मी से अपने भाई से लेते आ रहे, ठीक है ना, तो इनके पास एक्सपीरियंस है, तो इनका क्या है, आज पावर आया कल से इस्तेमाल चालू, अगर मेरे बात भैया सीमान का समस्या बताइए, सीमान का समस्या अगर मेरा छोड़ के बोलिए भाई, केस हो जाएगा, अगर मेरे बात पे यकीन नहीं है ना, तो मेरा बात सच करके दिखाइए, 4 नंबर पे ताला चाबी है, उसको ताला चाबी के बारे में क्या कहना है, ताला चाबी तो खुद में एक सेफ्टी है, अगर आप यहाँ पे आए अपने घर में तो ताला मार के आए होंगे, ताला मार के जाते हैं, करोड़ों का दुकान है, ताला मार के आए हैं, तो ताला चाबी एक ऐसा प्रूफ है, एक ऐसा सिंबल है कि समझदारों के लिए जो इशारा काफी बोलते हैं ना, यहाँ पे समझदारों के लिए इशारा काफी है, अच्छा अच्छा और ठीक 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 है, और भी जिंदाबाद, ताला चाबी जिंदाबाद, ताला चाबी, ताला चाबी, ताला चाबी, ताला चाबी, ताला चाबी जिंदाबाद, एक और बात नजमा खातून जिंदाबाद, दीवान की जनता जिंदाबाद, दीवान की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा एक और ही सवाल, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जाति पे फिर पकड़ लिए,